हेलो गाइस, मेरा नाम यश और आज हम लोग वापस आ चुके हैं माइनक्राफ्ट में। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने क्या किया था पहले मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में मैंने बनाया था एक शुगर केन फार्म। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, मेरे को अपने शुगर केन भी लाने हैं वहाँ से, तो मैं लेकर आता हूँ पहले। तो ठीक है, चलो पहले मैं लगाने के वक्त दिखा दूँगा। और ये लाइब्रेरियन यहाँ कहाँ से फंस गया भाई, क्या दे रहे हो तुम इन्फिनिटी भाई, अब जाओ यार तुम, नहीं चाहिए मेरे को भाई इन्फिनिटी भाई दे रहे हैं। बट भाई हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है ना जिससे लगा सके हम इन्फिनिटी, तो भाई हमारा कहाँ फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो पहले तो शील्ड लगा लो क्योंकि कोई भी ड्राउन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तेज भागो यहाँ से और सब निकालना शुरू करता हूँ। ठीक है, और सब निकाल लूँगी गाइस, टेंशन मत लो आप, सब निकाल लूँगा मैं। ठीक है, कितने हो चुके अपने पास, 20। ठीक है, चलो भाई फिर इसको भी निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं टोटल अपने पास कितने हो चुके हैं। और जो ये थोड़े से गिर रखे हैं, मेरे को इतने नहीं चाहिए क्योंकि भाई 40 मेरे लिए बहुत है, क्योंकि ये भाई वो छोटा सा ही फार्म है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। क्योंकि भाई मैं आगे बना लूँगा बड़े बड़े फार्म, क्योंकि मेरे को अपने छत पर इतना तगड़ा कुछ बनाना नहीं है। ठीक है, और चलो गाइस फिर मैं बनाना शुरू करता हूँ उस फार्म को। एक सेकंड, ये क्या है, अच्छा डर्ट ब्लॉक है। ठीक है, मैंने कहा ये क्या है, आ गया मैं अपने घर के अंदर। तो अब चलता हूँ मैं यहाँ से, छत सीढ़ियाँ बनानी है मेरे को। अरे भाई तुम कहाँ से हो भाई, चलो जाओ यहाँ से। हाँ चलो, तो भाई देखो यहाँ से मेरी सीढ़ियाँ आएंगी मस्त, तो इसको तोड़ लेता हूँ मैं। ठीक है, और मेरी सीढ़ियाँ जाने वाली कुछ ऐसे। ठीक है, देखो पहले तो मैं यहाँ पर हूँ मस्त अपना। ठीक है, पहले ऐसे लगा देता हूँ एक, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ लगा दूँगा बाद में, पहले तो ऐसे कर देता हूँ। तो यहाँ हर इसकी जगह यहाँ पर एक सीढ़ियाँ लगेगी ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कर कर मैं एक पूरी सीढ़ी बना दूँगा यहाँ पर। ठीक है, ये एक और हटेगा और यहाँ पर पूरी मेरी सीढ़ियाँ डन। मेरे को ये भी हटाने पड़ेंगे, या मेरे को यहाँ पर ना लगानी नहीं चाहिए थे ये, देखो। तो ये मेरा रास्ता है, मैं पहले दिखा देता हूँ आपको यहाँ से ऊपर। अरे शील नहीं लगानी भाई ये, मस्त मैं यहाँ से ऊपर आ सकता हूँ, यहाँ से मस्त नीचे जा सकता हूँ। बट मेरे को ना एक चीज़ चेक करनी है, अगर मैं यहाँ पर डर्ट ब्लॉक लगा दूँ तब जा सकता हूँ, नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरे को इसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर है मेरा शुगर केन फार्म, जो कि बहुत घटिया दिख रहा है मानता हूँ मैं, बट ठीक है भाई मेरे को नहीं चाहिए, घटिया नहीं है कम से कम भाई, घटिया दिख रहा है बट मेरे को तो मेरे लिए अभी ठीक है, क्योंकि मेरे को इतना भी तगड़ा फार्म नहीं चाहिए। और मैं यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देता हूँ, बट क्राउच करके, क्योंकि मरना नहीं है भाई हमें। अरे भाई तुम इधर कहाँ लग रहे हो, हाँ ठीक है, एक और इधर लगेगा। और तो भाई मेरा क्या प्लान है कि मैं अब, भाई देखो मेरे पास इनफ आयरन तो है नहीं, तो क्यों ना मैं माइनिंग कर जाऊँ। और इस बार मैं सीधा बनाने वाला हूँ आयरन फार्म, यस मैं बनाने वाला हूँ आयरन फार्म सीधा इस बार। तो पहले तो मैं यहाँ से निकलता हूँ, और ये मेरी क्राफ्टिंग टेबल ऊपर ही है, कोई बात नहीं मैं बाद में ले लूँगा बाद में। ठीक है, ये चलो ले ही लेता हूँ ना, फिर चलेंगे हम माइनिंग पर, फिर उसके बाद हम लोगों को कुछ आयरन चाहिए होंगे, उसके बाद मैं बनाऊँगा आयरन फार्म। ठीक है, तो ये मिल गई मेरे को क्राफ्टिंग टेबल, और यहाँ से क्लच करता हूँ, रुको भाई मैं ये वाटर बकेट। ठीक है, क्लच, ठीक है क्लच सक्सेसफुल, अब चलते हैं। और मेरे को ना ओके, मेरे को थोड़ा सा लेदर चाहिए, तो पहले मैं वो ले लेता हूँ, ऐसे ही ले रहा हूँ मैं, मेरे को ज़रूरत इतनी भी नहीं है, बट ले लेते हैं, दम मिल गया तो। ठीक है, और ये रहा अपना हॉर्स और लामा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अंदर की तरफ, पहले मेरे पास जितने भी आयरन है मैं उनको स्मेल्ट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को बहुत सारे बेड चाहिए, तो उसके लिए मेरे को शीयर चाहिए होगी। तो दो आयरन तो अपने पास है फाइनली, चलो भाई एंड ऑफ एंड मेरे पास दो आयरन तो है। अच्छा ठीक है, और मेरे को ना थोड़ा सा और काम करना है, पहले मैं आयरन स्मेल्ट होने के लिए लगा देता हूँ। और ये रही ये क्राफ्टिंग टेबल, और मेरे को ये बनाने हैं बहुत सारे, देखो पहले। ठीक है, पहले ये क्लियर करो भाई इन्वेंट्री अपनी, इतनी डर्ट लेकर घूम रहा हूँ मैं, क्या बताऊँ मैं, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा एक डर्ट बहुत है।
दो बोटें लेकर घूम रहा हूँ। वैसे ज़रूरत तो पड़ेगी, ये डोर की ज़रूरत नहीं है, इतनी सारी शवल की ज़रूरत नहीं है, एक शवल इज़ इनफ। ये आयरन की पिक्स की ज़रूरत नहीं है, बेड की ज़रूरत है। इतना खाना लेकर घूम रहा हूँ, नहीं ज़रूरत है भाई, मतलब ज़रूरत है बट बाद में ज़रूरत है, अभी नहीं है, ठीक है। और ये दो यहाँ पर ये रख देता हूँ, और ये लेदर यहाँ पर कहाँ पर रखे थे, यहाँ पर, ठीक है। चलो, और इतनी सारी फेंस गेट लेकर घूम रहा हूँ, नहीं चाहिए। चलो, और ये एक स्टेयर, अच्छा नौ स्टेयर है, इसको भी यहीं पर रख देता हूँ, अब ज़रूरत नहीं है स्टेयर्स की, ठीक है। और मैं बना लेता हूँ स्लैब्स, मेरे को ऑलमोस्ट एक स्टैक चाहिए, बिकॉज जो मैं करने वाला हूँ ना, आप देखते जाओ बस पता चल जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ। हाँ चलो, मैं इतने बहुत रहेंगे, चलो ठीक है। और रात तो नहीं होने वाली ना, वैसे हो भी जाएगी तब क्या हो गया, मेरे पास वो है बेड, मैं कर लूँगा ये इंतज़ाम, ठीक है। चलो अब गाइस, अब मेरे को, मेरे पास मैं शवल लेकर आया हूँ अच्छी खासी, दो दो शवल ठीक रहेगी, इवन मेरे पास तीन शवल है, नहीं दो ही है भाई, मैं फिर उस हिसाब से कम तो नहीं लाया ना। अभी एक ही ब्रेड खाता हूँ, जब ऐसा हेल्थ वेल्थ जाएगी तब खाऊँगा मैं ज़्यादा ब्रेड, हेल्थ बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये अपना फुल पार्क है यहाँ पर, और भाई माइनिंग पर चलेंगे, इससे पहले कुछ काम कर लेते हैं ना यार, ऐसे ही नहीं बैठा रहूँगा यार, ठीक है। तो पहली बात मेरे को ना एक चीज़ टेस्ट करनी है, अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके स्लैब लगाऊँ और उसके ऊपर कोई ब्लॉक लगाऊँ तो सही से लगेगा, हाँ डन, बस यही टेस्ट करना था मेरे को। और जितने भी ये घास ब्लॉक है ना, अब सबको हटाने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अब यहाँ पर लगेगी स्लैब्स, ठीक है, समझ गए गाइस अच्छे से। चलो, और अरे गलत लगा दिए, इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को लगाना है, पहले इसको ले लेता हूँ ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये देखो अपना घर अब अच्छा सा दिखने वाला है थोड़ा सा। हाँ मानता हूँ कि आग वाग लग जाएगी, बट आग कौन लगा रहा है मेरे घर में भाई, मैं ही तो खिलता हूँ सिर्फ, ठीक है। और ये दो नहीं टूटे चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, हाँ चलो ठीक है, क्योंकि भाई क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग में ऐसा होता तो दो ही टूट जाते थे एक साथ। मैं कहीं पर भी अब शवल घुमाए जा रहा हूँ, क्योंकि भाई सबको हटाने ही है, ठीक है। और अब वापस से लगा देते हैं, ओके चलो गाइस, लगाने का समय आ चुका है, चलो ठीक है। और कैट आ चुकी है अपने घर में, छोटी सी, अच्छी बात अच्छी बात, कैट भाई अपने घर में कोई सा भी जानवर रहेगा ना अपने लिए ही अच्छा है, ठीक है। और चलो, और माइंड कर लेते हैं इधर से, कैट नीचे मत गिर जाइए, मैं बहुत मारूंगा, मजाक कर रहा हूँ गाइस, नहीं मारेंगे, अच्छी अच्छी है कैट, अच्छी है। अरे मैं इसलिए डरा रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा खौफ तो रहना चाहिए ना। ये देखो कैसे भागती है, खौफ देख रहे हो तुम्हारे भाई का, कैसे भागती है इसे, चल हट जा, हाँ भाई करने दे, चल काम करने दे इनको, भाई काम पर ध्यान देते हैं। ये देखो अच्छा दिख रहा है ना, ऐसे ही मेरे को पूरा करना है। अब टॉर्च है ना अपनी, इसको यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। और इसको भी यहाँ पर, यहाँ से हटाता हूँ मैं, इसको लगाता हूँ इधर, और इसको इधर, और इसको हटाता हूँ इधर लगा देता हूँ, इसको हटाता हूँ और इधर लगा देता हूँ। तो अब मेरे को करनी है माइनिंग, रात तो नहीं हो रही वाली ना, ना ठीक है। माइनिंग मतलब क्या माइनिंग करनी है, बस यही तोड़ना है ऐसे ऐसे, ठीक है। बस ये तोड़ लेता हूँ मैं फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लो कर देता हूँ दो मिनट में, ठीक है। अरे गलत तोड़ दिया मैंने एक वाला, ठीक है। अब प्लेस करता हूँ मैं पहले तो बेड, ये रहा अपना बेड, और इसके ऊपर सोता हूँ मैं, अभी रुक जाओ पहले रात होने दो, ठीक है। और रात हो गई क्या, हाँ चलो गाइस, अब मैं सो चुका हूँ, बट मैं पहले थोड़ा सा काम करूँगा, उसके बाद अपने मतलब पहले माइनिंग, बाद में चलेंगे माइनिंग कर। अब मेरे को तो एक सेकंड के लिए भी लग रहा है कि आज माइनिंग कर जा भी पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ही करना है मेरे को, और मैंने एक गलत लगा दिया, इसको तोड़ लूँगा मैं, यहाँ पर ये तोड़ा, ठीक है। और मेरे को ऐसे 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 लगा देना है, मतलब ये डर्ट दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, कि डर्ट है नीचे। ये देखो कितना मस्त लग रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है। और इधर, और इधर, चलो ये गलत लगा दिया मैंने, थोड़ा सा इधर नहीं लगाना है, और गाइस इधर लगाना है हमें पहली बार, तो
और मैं गलत लगा दिया थोड़ा सा जी, रुको कोई बात नहीं, यहाँ पर डबल स्लैब लगाने पड़ गए, चलेगा। अच्छा अब मैंने ना एक और चीज़ ध्यान दी यार, मैं सीढ़ियाँ स्टेयर्स से क्यों बनाया, मैं इस स्लैब से भी तो बना सकता था, बट ठीक है अब बाद में बना लेंगे, जब ज़रूरत होगी तब बनाऊंगा अच्छे से मैं। अरे मैं एक ब्लॉक नीचे क्या चाह रहा हूँ यार, चलो चलो भाई अब मैं इधर से पूरा अच्छे से मतलब पूरा क्लियर करता हूँ इसको फटाफट से। भाई बिल्कुल भी डर्ट नहीं दिखनी चाहिए अपने, वहाँ पर मिट्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल हमारे पास एक लाइक लकड़ी का वो होना चाहिए स्लैब, मैं भूल रहा हूँ नाम, बट स्लैब होना चाहिए, डर्ट बिल्कुल नहीं लगानी है अपने को, बिकॉज डर्ट मेरे को अच्छी नहीं लगती। और अपने पास 28 है ना, मेरे ख्याल से 28 से ही हो जाएगा, मैंने एक एक्स्ट्रा बना दिया मतलब एक स्टैक 28 से ही हो जाएगा ना। इधर लगाओ यार, इधर कहाँ लगा दिया, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा था हटा दिए ना। हाँ ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, इसको हटाओ भाई, ये डर्ट कहाँ से आ गई, इधर डर्ट है, इधर डर्ट नहीं ना, बिल्कुल नहीं भाई, कुछ नहीं बचा, बचाव होना चाहिए ठीक है। और मेरे को ना एक और चीज़ ध्यान रखनी होगी, इसको नहीं हटाऊंगा तब भी चलेगा, हाँ चलेगा, दौड़ेगा भाई, नहीं हटाऊंगा तब दौड़ेगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं भाई, चलो आराम से। चलो भाई एक्स्ट्रा बना लिया, अच्छी बात है। और ये अपने पास 4 ब्लॉक बचे हुए हैं ना, रुको भाई, बिल्ली जी अब आप फंस चुके हो, बच गई, चलो फंस गए अब आप, ठीक है बस बिल्ली का गाइस हमने फंसा कर रखा हुआ है, वैसे वो डिस्पॉन हो जाती है मेरे ख्याल से तो, ठीक है। और मैं इसको ऐसे कर दूंगा गाइस, कितनी परफेक्ट स्टेयर्स लग रही है अपनी, और भाई लो लेट्स गो गाइस। और यहाँ पर जो मैंने कर रखा है ना, अरे क्या कर दिया मैंने, एंट्री पर भी स्लैब्स लगेंगे, ये अच्छी नहीं लग रही ना, तो एंट्री पर भी स्लैब्स लगेंगे, टेंशन की बात नहीं है, हर चीज़ मैं स्लैब्स की बना देता हूँ, क्योंकि स्लैब अपने पास बचे ही हैं, इतनी स्लैब का करूँगा अभी क्या मैं, तो काम ही कर लेते हैं ना कुछ ढंग का। चलो ओके ओके, ऐसे ऐसे कर कर ले आता हूँ मस्त। और यहाँ पर जो ये डर्ट लगी हुई है ये तो लगी रहने दो भाई, चलो ठीक है ऐसे ऐसे डन। ये हो चुका है अपना फुल घर तैयार, क्योंकि यहाँ पर तो खेती करनी है ना, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये रख रखा है, और खेती आराम से हो जाएगी, तो एक दो तीन हाथ आराम से खेती हो जाएगी, क्योंकि इसके पीछे पानी है ना स्विमिंग पूल, तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अपने पास हो है, हो हाँ है, बस भाई दिक्कत की अब कोई बात ही नहीं है, मैं यहाँ पर करना शुरू कर देता हूँ खेती, ओके। और भाई मेरे को ये देख रहे हो, ये देख रहे हो गए ना, यहाँ पर भी स्विमिंग पूल है, यहाँ पर भी हो जाना चाहिए, और ये लो डन, दोनों तरफ से हो गया। अब मैं सीड्स लेकर आता हूँ, खाना निकाल लेता हूँ पहले तो खाना, क्योंकि हो सकता है मैं स्लो हो जाऊँ, तो मेरे को स्लो नहीं होना है। और गाइस हमने अंदर का इंटीरियर बना दिया, और मैं सोचा था माइनिंग पर जाऊँगा, बट मेरे ख्याल से ही जाना हो सकता है अब तो भाई रुको यार, ये अच्छा नहीं दिख रहा, इसको हटाओ भाई, कहाँ से आ रहे तुम, ठीक है अब दिख रहा है अच्छा। अब मैं अपने पाथ से जाऊँ ना भाई, मैं बिना जी भी हूँ भाई, पूरा पाथ बना रखा है, जंप कर जाऊँगा यहाँ से मस्त अपना, जाओ यहाँ और यहाँ पर सीधा अंदर, ठीक है। और अब मेरे को जाना है अंदर, और मेरे को लेकर आनी है सीड्स, मेरे ख्याल से ही कैरेट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं तो सीड ही लेने वाला हूँ। वेट यार, मेरे को अभी एक चीज़ नोटिस करी मैंने, कि भाई सोचो अगर मैं लाइक सीड का लगाऊंगा तो मेरे को 3 वीट चाहिए होंगी, अगर मैं वहीं पर कैरेट का लगा दूँ तो मेरे को 1 से ही 3 मिल जाएगी, वैसे इससे भी 1 से 3 मिलती है, बट फिर पता क्या होगा, मेरे को क्राफ्ट करना पड़ेगा, जिसमें मतलब वो एक ब्रेड बनेगी एक खेत से। और यहाँ पर पता क्या होगा, अच्छा मैं किस लिए ये सब सोच रहा हूँ, विलेजर्स को ब्रीड के लिए, ठीक है, तो लाइक उन लोगों के लिए, फिर मैं सीधा आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताते रहो, मैं अभी मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है, हाँ है। अब देखो अगर मैंने किसी एक से, जैसे ये खेती है मेरी, यहाँ से मैंने एक पोस्ट तोड़ा जिससे मेरे को 3 वीट मिले, तो मैं जब यहाँ से ब्रेड बनाऊँगा तो मेरे से सिर्फ 1 ब्रेड बनेगी, तो फ़ायदा ही नहीं हुआ ना। और अगर वहीं पर मैं कैरेट रखूँगा 1 से 3 मिलेगी, और उससे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जहाँ पर मैं विलेजर को ब्रीड करने के लिए 1 ब्रेड लगाऊँगा वहाँ पर मैं 3 कैरेट लगा सकता हूँ इससे, इसलिए
और समझ गए, तो यही बोलना था मेरे को। आई नो कि मैंने समझाने में, मैं सीड्स नहीं लेकर आया, मैं क्या करता हूँ, मैं आपसे बात करते करते जब बात करता हूँ ना, मन करता है बात ही करता रह जाऊँ। भाई देखो ना, सीड ही नहीं लेकर आया मैं। वाह यार, ये लाया हूँ, ध्यान से देख ले कहीं लाया हूँ। नहीं लाया है भाई, मेरे को वूल भी चाहिए ताकि मैं एक नया बेड बना सकूँ, यही बताना था एक और चीज़। ठीक है, और मेरे पास पॉपी पड़े होंगे ना, तो मैं रेड बेड बनाऊँगा, रेड कलर का। ठीक है, चलो गाइस अब अंदर आ चुका हूँ मैं, और इसको बंद करो। और सनफ्लावर तो रेड डाई पड़ी हुई है अपने पास भाई, सीधा रेड डाई लाऊं, और यहाँ से लो सीड। ओके, और यहाँ से लो वूल, मेरे को तीन वूल चाहिए भाई, बस तीन। अरे भाई तुम तीन वूल नहीं दे सकते क्या? इधर दो तीन वूल, इधर रखो दो वूल। ठीक है, और थोड़ा सा प्लैंक्स है अपने पास। भाई मेरे पास प्लैंक ही नहीं है, मैं बेड कैसे बनाऊंगा? ओके, मैं कंपोस्टर बना सकता हूँ, बट मेरे को नहीं बनाना है, मेरे को एक ब्रेड बनानी, मतलब वो बनाना है, मेरे को वुड चाहिए थोड़ी सी। वुड ही नहीं है ब्रो अपने पास। कोई बात नहीं, एक एडवांस में शवल रख लेता हूँ, और चलो भाई वुड लेकर आता हूँ। एक पेड़ काट लेता हूँ ना पूरा यार, पूरा। हाँ चलो, एक पूरा पेड़ काट के आता हूँ, उसके बाद करते हैं ना, मतलब करते हैं काम को ख़त्म, क्योंकि अब मेरे को जितना घर का इंटीरियर बनाना था मैंने बना दिया है। मेरे को कुछ चीज़ें और ले जानी है अपने घर से उठा के, वो मेरे को करनी है। ठीक है चलो, अभी आपको अगर मैंने पॉपी से घर बनाने की बात करी, मतलब रेड बेड से, बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि येल्लो ज़्यादा अच्छा लगेगा मेरे को, तो मेरे को पहले तो अंदर जाना है, और जो भी मेरे को चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे को चाहिए ये पॉपी नहीं चाहिए, बट मेरे को ये पूरा चाहिए, समझ रहे हो, किस लिए, अभी आपको पता चल जाएगा किस लिए। ठीक है, तो मैं अभी एंड में मैं आपको अपना फुल इंटीरियर भी दिखा दूँगा अच्छे से, कि कैसा बनाया है मेरा इंटीरियर। चलो बंद हो जा। हाँ डन, तू मत जाइए मेरे घर के अंदर। ठीक है, मेरे घर के अंदर कोई नहीं जाना चाहिए भाई, मेहनत से मैं बनाता हूँ, देख रहे हो उनके घर क्या मेहनत लगी होगी, बताना कैसे उनके घर को। भाई लकड़ी काटी है, लकड़ी तो मैं भी काट दूँ, तभी तो उसके आसपास पेड़ नहीं है, सारी लकड़ियाँ ले गए। मेरा घर देखो एक बार, कॉबल स्टोन, भाई नीचे माइनिंग के लिए पूरा कॉबल स्टोन लगा रखा है, भाई जाओगे माइनिंग ही माइनिंग करते हो। ठीक है भाई, इन्फानेट कॉबल स्टोन है उधर, और मैं सीट लेकर आया हूँ डन, लेकिन मेरे को लगानी तो कैरेट थी। आप तो यही सोच रहे होगे, बट मैं बताता हूँ कि मैं ये क्यों लेकर आया। तो मैं आधी तरफ लगाऊंगा सीड्स और आधी तरफ लगाऊंगा कैरेट, इजी गाइस। ठीक है, जिससे क्या होगा, मेरा कैरेट की भी फार्मिंग होती रहेगी और मेरी इसकी भी फार्मिंग होती रहेगी, वो भी घर के अंदर। और गाइस आपने कमेंट बताना कि घर कैसा लग रहा है मेरे को, तो मैं तो इस घर को दूंगा 10 out of 10, बिकॉज भाई मेरे को सबसे बेस्ट घर लगा, ये मेरा खुद का घर है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई। बेड और इसको येल्लो बना दूंगा मैं, और इसको इधर रखूँगा, अब इसको तोड़ दूंगा, और तू आ जा भाई, अब तू भी येल्लो बनेगा। चलो ठीक है, ये दोनों बन गए येल्लो, और मेरे को एक चीज़ देखनी है, येल्लो कैंडल, अच्छा कैंडल चाहिए उसके लिए। ठीक है, वो तो मैं इंतज़ाम कर लूँगा, और मेरे को पता है क्या चाहिए, रुको दिखाता हूँ आपको क्या चाहिए मेरे को, और मेरे को दो क्राफ्टिंग टेबल और चाहिए, बस एक इधर लगेगी और एक मेरे पास रहेगी। ठीक है, और ये जो लाया था इसका देखो क्या काम है, प्लीज़ इसके ऊपर सही से लग जाइए, डन। ठीक है, और मेरे को शायद थोड़े से एमरल्ड खर्च करने पड़ेंगे अपने, बट अब ठीक है। ठीक है, मैं करता हूँ अब खर्च अपने एमरल्ड लेकर आता हूँ, और फिर मैं आपको इंटीरियर पूरा बता दूंगा कि मेरा क्या है सब कुछ, धमका मतलब मेरा कैसा चल रहा है घर, और रात होने को आ चुकी है भाई। भागो यश, भागो जल्दी, भाग ना, कितना टाइम लगाता है ये भाई, जल्दी भागने के लिए बोल रहा हूँ और धीरे भाग रहा है। चलो 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 चलो, और डन। ओके, मैं सही समय पर ही आया हूँ, अच्छा ठीक है। ओके चलो, मैं सो चुका हूँ फिलहाल के लिए, अब मेरे को वहाँ पर कैरेट रख देनी है अपनी, जितने भी कैरेट्स हैं, और सीड रख देनी है अपनी, जितनी भी सीड्स हैं।
और मेरा एमरल्ड है। चलो ठीक है, मेरे को एक ही एमरल्ड चाहिए होगा मेरे ख्याल से तो। और ये भी ले लेता हूँ, मेरे को बनाना है एक, तो इससे एक अन लो, एक बन गया। और मेरे को फ्लावर्स भी चाहिए ना, पॉपी, वेयर इज़ पॉपी, ए पॉपी कहाँ है पॉपी। क्या मेरे को पॉपी अच्छा लगता है पता नहीं क्यों, मेरे को पॉपी ज़्यादा अच्छा लगता है। पॉपी दो पड़े हैं, करेक्ट, दो ही चाहिए मेरे को। चलो भाई, और मेरे को चाहिए थोड़े से कॉबलस्टोन। अरे क्या कर दिया भाई मैंने, कॉबलस्टोन, चार कॉबलस्टोन है ना। अबे कॉबलस्टोन और चाहिए मेरे को, चार नहीं चाहिए यार, चार नहीं चाहिए मेरे को कॉबलस्टोन। ठीक है, मैं फिर माइनिंग के लिए थोड़ा सा कर आता हूँ। मेरे को कम से कम चाहिए 16 कॉबलस्टोन, 16 कॉबलस्टोन चाहिए, तो मैं 16 कॉबलस्टोन माइन करता हूँ। कितने हो गए, 9 ना, 16 चाहिए भाई अपने को। फुल ऑन सीढ़ियाँ तोड़ते हुए जाऊँगा मैं, ठीक है। 16 चाहिए ना, हाँ हो गए, करेक्ट 16 ही माइन कर रहे हैं भाई। भाई परसेंटेज देख रहे हो, एकदम करेक्ट है। और अपना मेसन तो उधर है ना, मेसन जो भी होता है, आप कमेंट में बताना गाइस, आप कमेंट में बताना क्या होते हैं। लो भाई ख़रीद लिया मैंने ये भी। और चलो अब अपना काम हो गया, अब अपने को भगना है उधर की तरफ। और बाकी अब मैं आखिरी में आपको अपना इंटीरियर दिखाऊंगा फुल घर का, मतलब आपको घर का रिव्यू कराऊंगा, रिव्यू, ठीक है, घर का रिव्यू एकदम मस्त दिखाऊंगा कैसा मेरा घर है। ये है मेरा घर, ठीक है, ऐसे करके दो फर्नेस बनाने हैं मेरे को। ये बन गया मेरे दो फर्नेस ऐसे। और ये रहे अपने, मेरे को एक फ्लावर पॉट भी चाहिए, रुको यार, एक फ्लावर पॉट सिर्फ एक, डन, ठीक है। और यहाँ पर बन जाएंगे मेरे दो टोटल, क्योंकि मैं दो, मेरे पास एक पहले से था। और ये डन, देखो अपना घर अभी तो डन है। और ये लीकेज जैसे लग रहा है ना, जैसे लीकेज हो रही है, उसकी कोई चिंता नहीं है मेरे को, ठीक है। और कुछ ऐसा जिसको मेरे को यहाँ पर लगाना चाहिए, कुछ ऐसा है जो मेरे को लगाना चाहिए, मेरे पास वुड है क्या थोड़ी सी, नहीं है, कोई बात नहीं। और चलो अब मैं आपको अपने घर का टूर देता हूँ, सबसे पहले तो नीचे चलते हैं। मेरी वाटर बकेट कहाँ है, क्लच कर दिखाऊंगा इस, क्लच दे 1 2 3 क्लच, ठीक है। तो गाइस मैं आपको अपने घर का रिव्यू दे देता हूँ। तो ये है मेरा घर, ठीक है। और यहाँ से गेट है, यहाँ से आप अंदर जाओगे, मस्त आपको एक बस स्लैब की ओपनिंग मिलेगी। यहाँ पर आपका स्विमिंग पूल है, आपको नहाना है, किस में भी नहा सकते हो। अगर आपका राइट फेवरेट है राइट में जाओ, लेफ्ट में तो लेफ्ट में जाओ। फिर आपको सामने दिखते हैं दो बेड, ये मैंने ऐसे ही लगा रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मेरी क्राफ्टिंग टेबल फर्नेस, ये हो गया बनाने के लिए, ये हो गया पकाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा सजा रखा है मैंने, अभी यहाँ पर जब लाइक थोड़ा हो जाएगा अपने पास मटेरियल, तब मैं यहाँ पर चेस्टे लगा दूंगा या बैरल लगा दूंगा, ऐसे खोलकर सामान निकाल लेंगे। और ये है मेरी फुल, पहले ये दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा फार्म, आप देख सकते हो फार्म, यहाँ पर वीट उग रही है और यहाँ पर कैरेट। तो आपका कौन सा फेवरेट है आप कॉमेंट में बताना, वीट या फेरेट, पैरेट, अरे कैरेट सॉरी। और यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर आते हैं आपको दिखेगी फुल ग्लास का, मतलब अगर आपको ऊपर से भी देखना है ना, आप अपना अच्छे से ऊपर से देख सकते हो। और यह है मेरा शुगर केन फार्म, छोटा सा है बट है। और मैं इसको तोड़ लेता हूँ जितने भी हो चुके हैं भाई। नो भाई कुछ मत छोड़ो भाई, जो हो चुका है उसको ले लो, ठीक है, इससे यही बोलूँगा मैं सिर्फ, जो मिल रहा है ले लो अच्छे से, कुछ मत छोड़ो भाई, क्या पता बाद में काम ही आए ना। और ये मैंने ही लगाए हैं, कहीं तुम ये बोलो चोरी कर रहा है, नहीं भाई ये मैंने ही उगाए हैं, ये मेरा है, ठीक है। और ये देखो, और ये यहाँ पर अपना मस्त है, यहाँ पर आप अपना घूम सकते हो मस्त। और मेरे को ना एक और चीज़ करनी थी, वो मैं कर आता हूँ पहले तो। चलो भाई क्लच देख रहे हो भाई, तुम्हारे भाई का भाई लगातार आज तो क्लच फेल ही नहीं हो रहा भाई, क्लच पे क्लच, ठीक है। और लेकर आता हूँ मैं वो चीज़, दो मेरे को चाहिए थी भाई, एकदम फुल लग्जरी घर बनाएंगे अपना, मतलब वो मैं अगले एपिसोड में लगा दूँगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो,
सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो बस आज तो मैंने फुल मतलब अपने घर का इंटीरियर बना दिया और अच्छा ही लग रहा है। आप बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, और कमेंट में ये भी बताना आपका कौन से क्या फेवरेट है, वीट या कैरेट। अच्छा गाइस, और मैं ये कह रहा था कि मेरा क्या प्लान है कि ये ग्लास पेन है ना, इसको अपने छत पर लगा दूँ, लाइक ऐसे मतलब साइड साइड में, जैसे ये है ना ऐसे बालकनी जैसा लगा दूंगा। तो गाइस आप बताना कि ये करूँ या नहीं करूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बताओ कि वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।